ये ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये मुर्गा का चोंच है? इसके लिए मैं ना बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था इसको। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक और बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मोटोब्लॉगिंग सेटअप को अच्छा बनाने के लिए उसके पीछे पड़ गया था, जो कि अब तक अच्छा नहीं हुआ है। एक अच्छा सा मोटोब्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा सा हेलमेट होना चाहिए, एक अच्छा सा माइक होना चाहिए और एक अच्छा सा कैमरा होना चाहिए। तो गाइस, मेरे पास सारा चीज है बट एक अच्छा हेलमेट नहीं है। तो कुछ दिन पहले मैं अमेजोन से अपने एक हेलमेट को बाय किया था और आज वो फाइनली डिलीवर हो गया है, तो उसी को आज हम अनबॉक्स करेंगे। और हेलमेट के साथ साथ कुछ पार्ट्स को मैं और भी बाय किया था जो हेलमेट से रिलेटेड ही है। वो क्या है आप लोग देखोगे तो आपका दिल आ जाएगा उस पे, रियली में बता रहा हूँ। तो गाइस, मैं उन सभी प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फटाफट से चलते हैं अनबॉक्स करने के लिए, सारे प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है उसके अंदर, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, नीचे जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आगे सब्सक्राइब जरूर करना। फटाफट से चलते हैं अनबॉक्स करने के लिए, 3, 2, 1। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस छोटे वाले पैकेज से, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसको फाड़ने के बाद इस पे लिखा हुआ है डबल होम पीला प्लस हरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है इसके अंदर। तो फटाफट से इसको फाड़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर और क्या है। ओह माय गॉड, इसके अंदर एक बॉक्स और देखने को मिल रहा है। तो फाइनली शैतान का सी आप लोग देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। इसको तो यार मैं मंगा लिया हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं अपने हेलमेट पे कैसे इंस्टॉल करूंगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि इसको चिपकाने के लिए हेलमेट पे फेविक्विक डालना पड़ेगा, लेकिन भाई नया हेलमेट है यार, ऐसे फेविक्विक डालेंगे तो खराब हो जाएगा। आप लोग बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ भाई। इसको अभी साइड में रखते हैं एंड दूसरा वाला बॉक्स को भी खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या देखने को मिलता है। ये तो एक अजूबा सामान है भाई मेरे लिए। तो अब ये है मेरे पास ये दूसरा पैकेट, तो फटाफट इसको भी फोड़ते हैं एंड देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये भी मेरे लिए अजूबा ही है, इसको एक बार और फोड़ के देखते। यू कैन सी वॉट इज दिस अजूबा। ये ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये मुर्गा का चोंच है? मुर्गे का चोंच ऐसा लग रहा है। इसको हेलमेट पे कैसे लगाएंगे इसे? चलो जैसा भी है इसको बाद में देखते हैं। अब मेरे पास तीसरा वाला बॉक्स है, तो इसको भी अनबॉक्स करके देखते हैं। इसको बाहर से देखने पे ही पता चलता है कि इसके अंदर नंबर प्लेट ही होगा। और तीसरा प्रोडक्ट ये रहा नंबर प्लेट, तो इसको भी फटाफट से साइड करते हैं एंड जो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फटाफट से चौथे वाले बॉक्स को लेके आते हैं एंड उसको अनबॉक्स करके देखते हैं। चौथा एंड लास्ट प्रोडक्ट, इसके लिए मैं ना बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था इसको। फटाफट से इसको बाहर निकालते हैं एंड देखते हैं। तो भाई बाहर निकल जा। तो ये रहा मेरा स्टील बर्ड का हेलमेट, तो आप लोग पहले इसका थोड़ा सा एक लुक देखो भाई। तो ये तो अनबॉक्स देख ही लिए आप लोग, तो फटाफट से इसको हम अपने सर पे चढ़ाते हैं एंड थोड़ा सा इसका कंफर्ट लेवल चेक करते हैं कि क्या इसमें कंफर्ट है या नहीं। ओह माय गॉड, टाइट कितना हो रहा भाई। ओह माय गॉड, टाइट कितना है भाई, आप लोग देख सकते हो, इतना टाइट हेलमेट नहीं पहन सकता हूँ। माय गॉड। तो दोस्तों सच बताऊं तो यार, सबसे पहली बात कि इस हेलमेट का मुझे कलर बहुत ही अच्छा लगा देखने में, क्योंकि मैं जब इसको ऑर्डर किया था तो मैं न्यून कलर ही ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरी बाइक में जो स्टिकर लगा हुआ है वो न्यून है और न्यून में थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये कलर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट सबसे पहला जो इसका मुझे डिसएडवांटेज लगा कि ये मेरे लिए कम्फर्ट नहीं है, क्योंकि ये ना मुझे सर पे घुसाने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं इसको ना अभी रिफंड ही कर दूँ। तो दोस्तों मेरा डिसाइड ये है कि इसको ना मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा अनबॉक्स, उम्मीद करूँ कि आप लोगों को मजा आया होगा। मैं अनबॉक्स करके सारे प्रोडक्ट को देखा, इसमें से वो जो मैं दो सामान को एक्स्ट्रा मंगाया था हेलमेट पे लगाने के लिए, वो दोनों मेरे लिए टोटल वर्थलेस है। तो मैं सोचता हूँ कि उसको भी और साथ में हेलमेट, वो मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो मैं उसको भी रिफंड कर दूंगा। और उसके बदले में मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं ऑफलाइन जाके ले लूँ कहीं से, क्योंकि वहां पे मैं अपने पहन के भी चेक कर लूंगा और साइज भी अच्छा मिलेगा, तो साइज में भी कंफर्ट मिलेगा। थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है और दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हेलमेट को पहन के अगर मैं मोटो व्लॉग
व्लॉगिंग करूंगा। अगर मेरी बाइक की स्पीड 70 एबव जाएगा ना तो इसमें नॉइज आने लगेगा बहुत ज्यादा, और इसको सर पे चलाते ही मुझे टाइट लगा तो समझता हूँ कि ये कंफर्ट नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ में मैं ये मंगाया था और ये मंगाया था तो इसको भी मैं रिफंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे लगाएं। बस एक सॉल्यूशन निकलता है इसको चिपकाने का हेलमेट के ऊपर, कि आपको आपके हेलमेट पे इसको अगर चिपकाना है तो फेविक्विक डालना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ फेविक्विक डाल के अपने हेलमेट को खराब करना, तो इसलिए मैं इसको भी रिफंड कर दूंगा। और नंबर प्लेट रहेगा और ये रहेगा, इस सारी चीज को मैं रिफंड कर दूंगा। तो बस गाइस यही था, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज की अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देख के पसंद आया होगा। और मैं एक्साइटेड तो भाई बहुत था अपने हेलमेट के लिए, लेकिन क्या करें दूसरा हेलमेट बहुत जल्दी ले लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फिर मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर गाइस।